हर अधर्म को उन्होंने प्रणाम किया, तो वो जो लोकसभा है मयूर के आकार का उसे रखा गया है। बीच में जो कुर्सियां आप लगी हुई देख रहे हैं और वो चारों तरफ का जो प्रांगण है लोकसभा के अंदर का, वहां पर मयूर के आकार का उसे दिया गया। और सबसे खास चीज इसी लोकसभा के अंदर की जो है वो ये है कि यहाँ पर कोई सेंट्रल हॉल नहीं है। जो पुराना संसद भवन था वहां पर सेंट्रल हॉल था और जब संयुक्त सत्र चलाया जाता था तो वही चलाया जाता था। अभी जहां आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर अधिनियम को प्रणाम किया, सेंगोल की स्थापना की, उसी लोकसभा कक्ष के अंदर अब संयुक्त सत्र चलाया जाएगा। इस नए भवन के अंदर सेंट्रल हॉल नहीं है जहां संयुक्त सत्र चले, यहां पर होगा। और सबसे खास बात इस नए भवन की जो है आपको मूल प्रति, संविधान की जो मूल प्रति है वो वहां पर दिखाई देगी। हर भारतवासी वहां जा सकता है क्योंकि हम पहले से भी जानते हैं पुराने भवन के अंदर भी तो टिकट लेकर लोग जाया ही करते थे, लेकिन अब जब आप नए भवन के अंदर पहुंचेंगे तो मूल प्रति संविधान की आप खुद वहां पर देख पाएंगे और डिजिटल कॉपी भी वहां पर रखी गई है। तो अगली बार जब आप दिल्ली आए और यहाँ संसद भवन के अंदर जाए तो मूल प्रति को जरूर आप देखें क्योंकि वो बार बार न सिर्फ आप यहाँ पे पहुंचेंगे। देश के प्रधानमंत्री का ये काफिला यहाँ से मूवमेंट शुरू हो चुका है, यानी पहले चरण का जो पूजा कार्यक्रम, जो उद्घाटन कार्यक्रम वो पूरा हो चुका है, लेकिन ठीक अब से दो घंटे बाद फिर से कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम का संबोधन भी 1:10 पे आप सुनेंगे। तो इस पूरे कॉन्वॉय की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जो कार्यक्रम पूरा था उद्घाटन का वो कंप्लीट हो चुका है, पूजा की तस्वीरें हमने लगातार दिखाई, लेकिन अब पीएम का फिर से इंतजार होगा जब वो यहां पहुंचेंगे और उसमें अलग अलग जगहों पे हम देखेंगे कि सबका भाषण भी है जिसमें उपराष्ट्रपति का भी भाषण पढ़ा जाना है उपसभापति के जरिए जो राज्यसभा के हैं, उसके अलावा पीएम का संबोधन होना है और पीएम के संबोधन में संसद की तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र होगा। मैं जब तक आपसे बातें कर रही हूं तब तक भी यहां पे जो काफिला है उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आज का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल नहीं, अभी कार्यक्रम का दूसरा फेज स्टार्ट होना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जिस बात का सभी को इंतजार है, पीएम का आखिर में इस प्रोग्राम के आखिर में ठीक 1:10 पे मैं अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करती हूँ। विक्रांत, अब हम सभी को इंतजार होगा या इस देश के नागरिकों को इंतजार होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम के सेकेंड फेज में पहुंचेंगे तो उसमें 1:10 पर उनका संबोधन, और संबोधन में सबसे बड़ी बात कि ये नया संसद कितना इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, इस देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री का संबोधन आज के दिन तो महत्वपूर्ण सबसे होगा ही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का संबोधन है, उनका विजन है, जो ये नई संसद इतने कम रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गई है। और निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए ये बेहद गर्व की बात है जो हिन्दुस्तान का नागरिक है। आपके राजनीतिक विरोध, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका इस संसद को लेकर विरोध होगा। कुछ चीजों को लेकर, कुछ राजनीतिक कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन, ये सब हो सकता है, लेकिन ये देश की संसद, ये हर आदमी को गर्वित करती है, हर आदमी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्वित गर्व का विषय है कि आज देश को अपनी संसद मिल रही है जो पूरी तरीके से अंग्रेजी दास्ता की जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को भी आज हमने छोड़ दिया है। अपनी पूरी तरीके से स्वदेशी संसद में अब देश के सांसद बैठ करके देश के लोगों की समस्याओं का हल ढूंढा करेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री का संबोधन आज निश्चित तौर पर की निगाहों में भी रहेगा, क्योंकि उनका विजन था कि ये कम समय में और तमाम चीजों पर वो खुद नजर रखते थे। आपको याद होगा कि बीच बीच में समय समय पर जब संसद भवन के निर्माण से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आती थी कि प्रधानमंत्री अचानक से पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया, काम कर रहे कामगारों से मुलाकात की, उनसे जानकारियां ली, तो एक तरह से मोटिवेट कर लगातार वो करते थे कि जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में ये बुलंद तस्वीर, ये बुलंद भारत की तस्वीर बनकर सामने आए। और आज देखिए वो ऐतिहासिक दिन, वो गर्व करने वाला क्षण देश के सामने है जब देश की नई संसद हमारे कैमरे पर साफ दिखाई दे रही है। तो ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है, हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व का विषय है। और जिस तरीके से अंग्रेजी दास्ता के कई चिन्हों को हमने पीछे छोड़ा है, ये देश की संसद उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश की संसद जहां पर बैठकर देश के लिए कानून बनते थे, जहां देश के लोगों की समस्याएं उठाई जाती थी, लेकिन वो इमारत ब्रिटिश काल की बनी हुई थी, लेकिन अब
जब देश के सांसद अंदर बैठेंगे तो ये हिंदुस्तानी बिल्डिंग होगी, हिंदुस्तान के लोगों की बनी हुई होगी और ये हिंदुस्तान की ताकत को भी दिखाएगी कि कितने कम समय में हमने इतनी बुलंद, इतनी अत्याधुनिक तस्वीर बनाकर लोगों के सामने रखी। पूरे विश्व की अगर हम संसद अलग अलग देशों की तुलना करें तो भारत की संसद बेहद नवीनतम, बेहद तकनीक के मामले में सबसे आगे, और आज जिस तरीके से भारत ने तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ा है वो सब चीजें यहाँ पर भी दिखाई देगी। और हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इस संसद में जो सांसदों को सबसे बेहतरीन मिले, तो ये कोशिश की गई है, क्योंकि सांसद जो है वो केवल एक सांसद या एक चुनाव लड़कर जीत कर आया हुआ नेता नहीं होता, वो अपने क्षेत्र की जनता का नुमाइंदा होता है, क्षेत्र की जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उसके साथ जुड़ी होती है, तो उसको यहाँ पर अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात कहने का तमाम मौका मिले, ये सब चीजें इस संसद में बेहतरीन की गई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए। हालांकि राजनीतिक विरोध प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन, ये सब एक लोकतंत्र का हिस्सा होता है और विपक्ष के पास ये पूरा अधिकार भी है, लेकिन संसद में जो संसद में भारतीयता की बात है, जो एक होने की बात है, वो संदेश जाए, इस तरीके की कामना आज हर देशवासी कर रहा होगा और पूजा पाठ करके इस संसद में तमाम धर्म के लोगों ने बिल्कुल ऐतिहासिक जो क्षण है उसका गवाह भी न्यूज 18 इंडिया के जरिए विक्रांत, वो तमाम जो हमारे दर्शक है हमें देख रहे हैं वो बन रहे हैं गवाह, वो भी बन रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हर देशवासी के लिए बेहद खास है। और देखिये इन सब में सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर अधिनम पहुंचे थे वो तो देवता स्वरूप थे, उनके तो चरण स्पर्श किए प्रधानमंत्री ने, लेकिन तमाम जो जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, कारीगर थे, जिन्होंने कारीगरों का हौसला बढ़ाया था, चाहे किसी ने चाय पानी दिया था, उन सब के साथ प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकात थी वो हौसला अफजाई करने वाली थी। आप याद कीजिए जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उस वक्त भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी थी, तो चाहे बाबा का दरबार बने, बाबा का मंदिर बने या यहाँ लोकतंत्र का मंदिर बने, हर जगह प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वहां से जो संदेश देने की कोशिश की जाती है वो लगभग एक सी ही रहती है, और वही आज नए संसद भवन के प्रांगण से वो तस्वीर हमने देखी और वो संदेश पूरे देश तक पहुंचा भी है। तो वो लोग जिनके मन में अगर जरा शंका पैदा करने की कोशिश भी की गई थी तो इन तस्वीरों के जरिए मुझे लगता है वो जो शंका थी लोगों के मनों में वो भी दूर हो जाएगी। नया भवन हम सबका भवन है। अच्छा, इन सबके बीच एक मन में शायद कौतूहल या सवाल लोगों के ये भी होगा कि नई इमारत मिल गई तो क्या पुरानी इमारत को छोड़ दिया जाएगा, क्या वो जर्जर हो जाएगी, क्या अब उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज नए भवन का उद्घाटन जरूर हो गया है लेकिन पुरानी इमारत में जितने भी बड़े लोगों के चित्र हैं, चाहे वो बापू हैं या आजादी से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री हैं, उन सारे चित्रों को अभी इधर नए भवन में शिफ्ट किया जाना बाकी है, तो वो काम आगे चलता रहेगा और जो पुरानी इमारत है उसे संग्रहालय के तौर पर आपके सामने पेश किया जाएगा। तो अगली बार जब आप पहुंचेंगे तो नया भवन तो देखेंगे ही, लेकिन आजादी से लेकर के आज तक का जो इतिहास समेटे हुए संसद की पुरानी इमारत है वहां पर संग्रहालय भी आप देखेंगे। तो नया और पुराना एक साथ एक ही जगह पर आपको भारत का विजन दिखाई देगा। एक बात इसमें यह खास है कि जब पुराना भवन बनाया गया था तो कुछ साल आगे तक के विजन को ख्याल में रखकर बनाया गया था। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, जहां अभी मैं मौजूद हूं विजय चौक, यह पूरा रायसेना हिल्स का जो एरिया है यह भूकंप जोन के अंदर आता है, सिस्मिक 2 में तब आता था जब पुराना भवन बनाया गया था, मतलब लगभग 100 साल पहले, तब से आज तक दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आ चुका है, 2 से 4 तक आ चुका है। भूकंप अगर आया जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां राष्ट्रपति भवन इस वक्त है, जहां इधर पुरानी संसद भवन है, अगर भूकंप आया तो बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसीलिए अब यह आपका जो नया भवन बनकर तैयार है वो भूकंप रोधी बनाया गया और इसे भी आगे आने वाले कई सालों के हिसाब से बनाया गया। हम आपका मतलब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए संसद भवन की इमारत की बातें बताते बताते हमने अपना पुराना संसद भवन, मौजूदा वक्त का संसद भवन भुला दिया है। बिल्कुल नहीं भूले हुए हैं हम। हमें याद है साल 1947 में देश आजाद होता है, उसके बाद संविधान सभा की बैठकें लगातार चलती है क्योंकि हमारे सामने समस्याओं का अंबार था। समस्या ये थी कि किस तरीके से अंग्रेजों से सत्ता तो ट्रांसफर हो गया है लेकिन चुनाव किस तरीके से कराया जाए। वो साल 1952 का वक्त था जब चुनाव कराया गया, लेकिन उन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में इसी संसद भवन में, मौजूदा वक्त के संसद भवन में बैठकर बातें की गई, जिसके प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो ही सभापति थे, किसके? संसद भवन के, संविधान सभा के, और उपराष्ट्र उप
सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान बनाने में जो वक्त लगा उन सबके बारे में आपको पता है, लेकिन एक एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था। एक छोटे से वाक्य से मैं आपको समझाती हूँ। एक सिग्नेचर के लिए फाइल कहाँ पहुंचा था? पटना पहुंचा था सच्चिदानंद सिन्हा के लिए। इस तरीके से हमारे नव भारत का निर्माण हुआ था, इसीलिए हम कभी नहीं भूल सकते कि मौजूदा संसद का योगदान इस देश की प्रगति में, इस देश की तरक्की में किस तरीके से रहा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 17 लोकसभा की प्रक्रियाओं, तमाम कार्यवाहियों को हमने देखा है, जिसमें जब देश पे विपत्ति आती है तो कैसे लाल बहादुर शास्त्री जब इस देश के नागरिकों को आह्वान करते हैं तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। जब 13 दिन में अटल जी की सरकार गिरती है तो ये वही संसद भवन गवाह रहता है, लेकिन वो ताकत दिखाते हैं कि अगर चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे पास वो आंकड़ा नहीं है, तो मैं इस संसद का सम्मान करता हूँ। ये अटल जी की बातें थी। तो ये सब बातों का, इस पूरे भारत के 75 साल के निर्माण का ये गवाह रहा है। हालांकि 1927 से ही इसका इस्तेमाल अंग्रेज करते रहे थे, क्योंकि 1911 में उन्होंने, अंग्रेजों ने ट्रांसफर किया पहले कोलकाता राजधानी इस देश की, लेकिन उसके बाद दिल्ली में जरूरत पड़ी कि इस संसद भवन का इस्तेमाल किया जाए, और तब से लेकर आजाद भारत में मैं आपको दोहरा ही रही हूं कि क्या क्या हुआ है। मैं शालिनी का एक बार फिर से रुक करूंगी। और मैं एक बार जावेद का रुख करती हूँ। इस वक्त हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ बने हुए। जावेद, पहले फेज का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण हो चुका है, वो संपन्न हो चुका है, प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन सभी को, देश के हर एक नागरिक को इंतजार है कि आज ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। लेकिन वहाँ अगर आपने कुछ और नया देखा है तो अभी दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक दिन है। आप लगातार इस संसद का और पुरानी जो संसद है उसका इतिहास आप बता रही हैं। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हम जहां मौजूद हैं, हम रेल भवन के सर्कल पर मौजूद हैं और आपको लगातार संसद के इस तरफ, नई बनी संसद के इस तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। वो भव्य तस्वीरें लगातार अंदर से अब लगभग सबने देख ली हैं, और अब आप बाहर से भी ये तस्वीरें देखिए, और देखिए साथ में जो यहाँ चहल पहल है आप देख सकते हैं। जो रेल भवन का जो सर्कल है उसके आसपास आप देखेंगे जो सिक्योरिटी है वो भी अभी तैनात है। निश्चित तौर पर आज संसद देश को समर्पित हो गई। और इसके अलावा जो लगातार बात की जा रही है वो ये कि राजनीतिक विवाद एक तरह से सामने भी आ रहा था, जब विपक्ष की मौजूदगी करीब 19 से 21